हेलो एवरीवन, तो कैसे आप सभी। आई होप आप सभी स्टूडेंट ठीक होंगे। तो मैं विवेक आपका फिर से स्वागत करता हूँ आपके ने परिभाग कॉलेज अपडेट्स में। तो देखिए, आज हम डिस्कस करेंगे एजुकेशन, एक आपका सब्जेक्ट है बीए प्रोग्राम के अंदर, डिसिप्लिन के अंदर। देखिए, आपके पास दो एजुकेशन होती है, एक स्किल एनहांसमेंट के अंदर होती है, एक आपकी डिसिप्लिन के अंदर होती है। तो जिनका भी एजुकेशन है, एजुकेशन इन कंटेम्प्रेरी इंडिया, ठीक है, तो इसका आज हम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और पैटर्न भी मैं आपको आज समझा दूंगा। तो वीडियो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है और फाइनली आप सभी के सपोर्ट और प्यार की वजह से आज पॉसिबल हो पाया कि फाइनली मैं अब ये कह सकता हूं कि हमने कई हद तक आपके जो एग्ज़ाम पैटर्न और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के जो वीडियोज़ हैं वो ऑलमोस्ट कम्प्लीट कर दिया है। मतलब ये ऐसा है कि अगर आपके चार में से तीन एग्ज़ाम के पेपर, मोस्टली किसी के चार ही पेपर के जो वीडियो से आपको हमारी प्लेलिस्ट में मिल जाएगी, और ये वीडियो भी मैं प्लेलिस्ट पे ऐड कर दूंगा। और बीए प्रोग्राम का जो थर्ड सेमेस्टर का प्लेलिस्ट बना हुआ है उसमें ये वीडियो अब आपको मिल जाएगी, और बाकी तो आप देखते रहोगे तो भी आपको मिली जाएगी। तो लास्ट वीडियो मैं इसको कहूँगा डिसिप्लिन के अंदर, क्योंकि यही मोस्ट सब्जेक्ट होते हैं स्टूडेंट के पास। और इसके अलावा अगर कोई आपका अलग से सब्जेक्ट हो तो उसके बारे में ज़रूर कमेंट कर देना, अगर मेरे पास टाइम होगा तो मैं ज़रूर बना दूंगा, ठीक है। तो एजुकेशन डिसिप्लिन का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की और फाइनली वीडियो आ चुकी है, तो स्टार्ट करते हैं वीडियो, देख लेते कैसे क्वेश्चन है। आज की वीडियो इंग्लिश और हिंदी मीडियम दोनों के लिए होने वाली है। तो दिल थाम कर बैठ जाइए, एजुकेशन थर्ड सेमेस्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की जो रेलगाड़ी है वो अब जंक्शन से निकल चुकी है। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या रहने वाला है। पहला क्वेश्चन है शिक्षा में वित्त की समस्या और उपायों की व्याख्या करें, नोट कर लेना। दूसरा क्वेश्चन है भारत में माध्यमिक शिक्षा और संबंध प्रमुख मुद्दों की चर्चा करें, शिक्षा के संबंध में प्रमुख मुद्दों की चर्चा करें, इसके संदर्भ में मुदालियर आयोग की क्या सिफारिश है। तो मुदालियर आयोग बनाया गया था शिक्षा के संदर्भ में, उसके बारे में आपको बताना है, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन है अंग्रेजी शिक्षा ने अपने गुलाम, अंग्रेजी शिक्षा ने हमें गुलाम बना दिया है, गांधी जी की नई तालीम के संदर्भ में चर्चा करें। तो गांधी जी की जो नई तालीम है उसकी आपको पढ़ना होगा, उसका जो कंसेप्ट है वो समझना होगा, वो याद कर लो। ये अंग्रेजी शिक्षा ने हमें गुलाम बना दिया है, ये तो गांधी जी ने बोला था, वो तो हमेशा ही कहते थे कि वो तो इसका विरोधी करते थे, ठीक है। चौथा क्वेश्चन, ज्योतिबा और सावित्री बाई फूले ने भारत में शिक्षा प्रणाली को बदलने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, व्याख्या करें। पांचवा क्वेश्चन, शिक्षा के अधिकार के संबंध में आने वाली चुनौतियों और समाधान पर चर्चा करें, शिक्षा में क्या क्या चुनौतियाँ आती है। देखिए, बहुत सारी चुनौतियाँ आती हैं। पहला हमारा समाज ऐसा होता है, ठीक है, जैसे जहाँ लड़कियों को पढ़ने नहीं दिया जाता। दूसरा आपने देखा होगा कि फाइनेंशियल प्रॉब्लम रहती है, तो कई सारी चुनौतियाँ होती है, समाधान क्या वो भी आप बता सकते हो। क्वेश्चन नंबर सिक्स, समकालीन भारत में संवैधानिक मूल्यों के महत्व और शिक्षा के लिए उनकी प्रासंगिकता की चर्चा कीजिए, ठीक है। सातवां क्वेश्चन, मानव विकास सूचकांक, लिंग विकास सूचकांक और भारत में शिक्षा क्षेत्र के लिए इसके संबंध में विभिन्न मापदंडों की व्याख्या करें। आठवां, राष्ट्र शिक्षा नीति 1968 की आलोचना और व्याख्या करें, आलोचना भी करनी है और इसकी विशेषता बारे में भी बताना है, ठीक है। अब टिप्पणी, कुछ टिप्पणी भी आती है इसमें, शिक्षा में केंद्र की भूमिका क्या है, मुक्त और दूरदर्श शिक्षा, जिन्हें नहीं पता मुक्त और दूरदर्श शिक्षा क्या है, ये क्रॉसपेंडेंस के बारे में बोला गया है। शिक्षा में एनजीओ की भूमिका, जिन्हें गैर सरकारी संगठन बोला जाता है। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड या सैम्पट, ये क्या है, इसके बारे में आपको पढ़ना है। परफॉर्मेंस बजट, यूईई प्रारंभिक शिक्षा का सर्वोवीकरण, पीए इंग्लिश मीडियम वालों के लिए, नोट कर लेना, इंग्लिश मीडियम वाले देख लीजिए। पहला क्वेश्चन ये रहा, वही है ऊपर, हिंदी वालों के लिए, इंग्लिश मीडियम वालों के लिए, ठीक है, ये सारे आपके लिए होने वाले हैं, देख लीजिए, नोट कर लीजिएगा, ठीक है। तो फाइनली एजुकेशन डिसिप्लिन का जो रह गया था ये भी मैंने कंप्लीट करा दिया, और इसके अलावा अगर कुछ रहता है तो मुझे ज़रूर बताइएगा, तो मैं उसके लिए भी जल्द से जल्द लेकर आने की कोशिश करूँगा। तो ये तो कुछ है जो मेजर सब्जेक्ट है, जो कहीं ना कहीं स्टूडेंट के पास होते हैं, 10 में से 8 से 9 स्टूडेंट के पास ये सब्जेक्ट हैं, ठीक है। तो ये थी आज की वीडियो, वीडियो कैसी लगी, वीडियो को लाइक करते, चैनल को सब्सक्राइब करते। बाकी कई स्टूडेंट कहते सर इनके आंसर क्या है, तो बुक आपके पास है, बुक आप पढ़ो, बाकी इनके आंसर आपको गूगल पे भी मिल जाएंगे, आप गूगल पे भी सर्च मारोगे, कई सारे आर्टिकल्स हैं, पढ़ना आपको है, हम इंपॉर्टेंट हम आपको बता रहे हैं। अब देखिए, हर चीज़ अगर हम ही आपको पकी पकाई रोटी दे ही देंगे तो पेट खराब कर जाएगी, आपको कुछ समझ में तो आएगा नहीं, खुद पढ़ोगे सॉल्व करोगे तो काफ़ी कुछ समझ में आएगा, ठीक है। तो वीडियो कैसी लगी, वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे, थैंक यू।